गाइस हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका थर्ड एप्लीकेशन ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, दैट इज मोलिकुलर डायग्नोसिस। कि आप बीमारी अर्ली स्टेज में कैसे डायग्नोसिस करोगे बाय रिकमेंडिंग डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो आपका पहले का जो कन्वेंशनल मेथड था, जैसे सेरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, आपका सुटेबल नहीं था फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। क्यों? बिकॉज ये सब सिंपल में है। अभी सपोज एक आपको नॉर्मल एक अर्ली स्टेज में कोई भी बीमार हो रहा है, अर्ली एकदम अर्ली स्टेज में, तो आपका शरीर में वो जो भी पैथोजन होगा या जो भी पैरासाइट होगा बहुत कम अमाउंट में होगा। सो उस समय में आप पुराने वाला मेथड से यूरिन एनालिसिस से सेरम एनालिसिस से पता नहीं किया जा सकता अगर आपका पैथोजन का अमाउंट कम हो तो। ठीक है, बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जैसे कि पीसीआर एंड एलाइजा की मदद से आपका शरीर में अगर एकदम कम से कम पैथोजन भी हो तब भी आप डायग्नोज कर लोगे कि हाँ भाई इसका शरीर में पैथोजन है, ही इज इन्फेक्टेड। ठीक है, सो उसी के बारे में देखेंगे। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको पता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, आपका एक एक जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो आपका दो कॉपी बन जाएगा एक साइकिल में, और उस तरीके से आप मल्टीपल कॉपी बना सकते हो। सो प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली ऑन द बेस्ट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, आपको जब प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, अभी आपको पैथोजन अटैक कर दिया आपको पता भी नहीं चलेगा, तीन चार दिन बाद सिम्टम्स आएगा, और तब तक आप जब तक जाओगे और तब तक आपके शरीर में ऑलरेडी पैथोजन का कंसेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा तक बढ़ गया होगा। ठीक है, सो बाय दिस टाइम जब तक आप नॉर्मली जाओगे कंसेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। ठीक है, हाउएवर वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड। आपका शरीर में अगर बहुत कम अमाउंट में बैक्टीरिया चाहे वायरस हो तो आप डिटेक्ट कर सकते हो। इतना कम अमाउंट में है फिर भी कैसे डिटेक्ट करोगे? अगर आपने उस बैक्टीरिया या वायरस का न्यूक्लिक एसिड को आपने एम्पलीफाई कर लिया, दुनिया भर का कॉपी बना लिया और तब स्टडी कर लिया, अरे इसका तो ये जीन है तो ये बैक्टीरिया या ये वायरस है, तो कैसा रहेगा? तो ठीक है, सो लो, और ये लो कंसेंट्रेशन में आप यूरिन एनालिसिस सेरम एनालिसिस से नहीं डिटेक्ट कर पाओगे क्योंकि बैक्टीरिया ही कम है तो उनका न्यूक्लिक एसिड भी उसे भी कम होगा। सो आप कैसे डिटेक्ट करोगे? पीसीआर से। सो एट वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, डिटेक्ट कर सकते हो बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड का एम्पलीफिकेशन कौन करता है? आपका पीसीआर, हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुका प्रिंसिपल्स में। ठीक है, सो पीसीआर की मदद से क्या करोगे, आप अर्ली स्टेज में कोई भी डिजीज को डायग्नोज कर सकते हो। सो इट इज वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। कोई भी अगर एड्स पेशेंट है, ठीक है, डाउट है, सो ही कैन गो, तो डॉक्टर उसको पीसीआर से डिटेक्ट कर लेगा, पीसीआर टेक्निक को अप्लाई करके। ठीक है, वरना जब तक सिम्टम्स आएगा, सिम्टम्स तक को 2 महीना 4 महीना 1 साल बाद आएगा, और 1 साल बाद गया तो बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है, सो अर्ली स्टेज डिटेक्शन में पीसीआर हेल्प करेगा। सो इट इज ए पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पीसीआर से आप म्यूटेशन भी डिटेक्ट कर सकते हो इन जीन्स इन कैंसर पेशेंट। ठीक है, कैसे? तो आप सुनिए, थोड़ा सा ही कंसेप्चुअल है बट सुनिए। कैंसर पेशेंट का ये डीएनए है, ठीक है, पीसीआर में पहला स्टेप क्या था? डाई डीनेचुरेशन एनिलिंग एंड इलोंगेशन। डीनेचुरेशन मतलब ये टूट गया, आपका सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डीएनए अभी आपका, अभी आप क्या करोगे, जो पेशेंट का डीएनए है ना, पेशेंट का जो डीएनए है उसका कंप्लीमेंट्री आप डीएनए बना लोगे। आप जान गए पेशेंट का डीएनए सीक्वेंस, आप सीक्वेंसिंग कर लोगे और उसका कंप्लीमेंट्री डीएनए बना लोगे आप लैब में। किसका कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाओगे? पेशेंट का अच्छा वाला डीएनए से कंप्लीमेंट्री एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाओगे, और यहां में आप एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा दोगे। अब इसको हम बोलेंगे प्रोब। क्या बोलेंगे? प्रोब। सो प्रोब इज नथिंग बट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए ऑफ नॉन सीक्वेंस। आप जानते हो इसका सीक्वेंस। सो ये जो मैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना रहा हूं इसका सीक्वेंस क्या है? सो पेशेंट का अच्छा वाला डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, सो अब इस प्रोब को मैं क्या करूंगा, इनके साथ रिएक्ट करने दूंगा। ये जो बेस पेयर सेपरेट हुआ ना दो डीएनए, इसके साथ रिएक्ट करने दूंगा। सो अगर नॉर्मल जीन होगा, सो इसका सीक्वेंस था सपोज एट, मैं दो ही लिख रहा हूं, तीन लिख रहा हूं, ए टी जी। ठीक है, अगर इसका सीक्वेंस ए टी जी था तो पेशेंट में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता आपका? टी ए एन सी। सो पेशेंट में अगर, क्योंकि ये प्रोब जो है आपका मैंने पेशेंट का डीएनए से ही बनाया है, तो ऑब्वियसली उसका डीएनए में जाकर ये बाइंड तो करेगा ही, कॉम्प्लीमेंट्री करेगा ही। सो टी ए जी से बाइंड कर दिया। अगर बाइंड किया मतलब क्या है भाई, डीएनए नॉर्मल है, इट्स ओके गुड, डीएनए नॉर्मल है। बट अगर बाइंड नहीं कर पाता, इमेजिन कीजिए म्यूटेशन होकर यहां में ए का बदली में, इमेजिन कीजिए म्यूटेशन होकर यहां ए का बदली में अभी आपका सी लग गया, सी हो गया था। सपोज हमको डिटेक्ट करना है ना कैंसर में म्यूटेशन है कि नहीं, सपोज यहाँ सी लग जाता, और अगर सी लगने से क्या है, प्रोब आपके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करता है, ए टी के साथ करता है, क्या टी सी के साथ करता है? नहीं करता।
सो ये प्रोब बाइंड नहीं करता। सो अगर प्रोब आपका बाइंड नहीं करता है, मतलब उस डीएनए में म्यूटेशन हुआ है पेशेंट वाले का, मतलब वो कैंसर म्यूटेशन हो गया है, कैंसर पेशेंट है, कैंसर का सस्पेक्ट है। सो आप देखोगे कैसे ये बाइंडिंग हुआ है कि नहीं, आप देखोगे ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से, क्या ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक। सो देखो कितना आराम से आप देख पा रहे हो ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक, क्योंकि बाइंडिंग क्या था आपका वहां, जैसे एक्सरे करने से हड्डी दिखता है वैसे ये भी चमकीला जैसा दिखाई देगा, इसलिए हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगाया यहाँ, ठीक है। सो इसे आप डिटेक्ट कर सकते हो। अगर नॉर्मल डीएनए तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका नॉन सीक्वेंस है तो बाइंड करेगा, पर अगर ये नॉर्मल डीएनए आपका शरीर का डीएनए नॉर्मल था पर यहाँ म्यूटेशन हो गया तो ये कैसे बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो पाएगा। सो आप डिटेक्ट कर पाओगे देखो, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन कैंसर पेशेंट, ठीक है, एंड टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिजीज, ठीक है। सो ये म्यूटेशन को आप कैसे डिटेक्ट करोगे देखो। सो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए टेक विद ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसे हम क्या बोलेंगे प्रोब। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब इज हाइब्रिडाइज्ड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन ऑफ सेल। इन ए क्लोन ऑफ सेल मतलब आपका होस्ट पेशेंट से सेल लिया के आप उसको हाइब्रिडाइज करोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री करे, एंड उसके बाद आप क्या करोगे डिटेक्शन के लिए आप ऑटोग्राफी यूज करोगे, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। सो जो आपका क्लोन में से अगर म्यूटेटेड जीन होगा सो विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फ्रेम, क्यों, अगर आपका वहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं हुआ तो अपीयर ही नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, म्यूटेशन हो गया सो ये कॉम्प्लीमेंट्री बोन बना ही नहीं पाएगा, और बना नहीं पाएगा तो आपका वो चमकेगा नहीं, ठीक है। बट जो कॉम्प्लीमेंट्रीली बाइंड करेगा तो क्या होगा, वो चमकेगा। सो डेट मीन्स अगर चमका तो नॉर्मल जीन, नहीं चमका तो म्यूटेटेड जीन। आई होप ये चीज आपका क्लियर हो, ठीक है। सो एलाइजे के लिए मैं अगला एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपका पूरा वहाँ कंसेप्ट एलाइजे के हम अच्छे से थोड़ा पढ़ लेंगे शॉर्टली। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए, अच्छा लगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।